नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और इस समय मैं बैठा हूँ अपनी हुंडई की एलीट i20 में। और आज के इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ एवियन सिस्टम के बारे में, एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले के बारे में। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें यहाँ पे आपको दिख पा रहा होगा ये जो स्विच है इसको पुश करना है। ये एवियन स्टार्ट होता है, इससे वॉल्यूम कम कर देते हैं हम। सबसे पहले बात करें एवियन के फंक्शंस की, तो मैं आपको बता दूँ ये FM का सेटअप दिया हुआ है, यहाँ से आप चैनल चेंज कर सकते हो। ये फ़ोन है, आपने अगर एंड्रॉयड से मोबाइल कनेक्ट कर रखा है, अभी जैसे मैंने अपना एंड्रॉयड डिवाइस इससे कनेक्ट कर रखा है, तो वो बता रहा है यहाँ पे नेटवर्क कौन सा, ये बता रहा है बैटरी कितनी बची हुई है, ये बता रहा है। उसके अलावा अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पर डायलर दिया हुआ है, और अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊँ तो ये कॉन्टैक्ट, मेरे सारे कॉन्टैक्ट्स भी बता देगा, कॉलिंग लिस्ट मतलब कॉल लॉग भी बता देगा, और ब्लूटूथ सेटिंग मतलब मुझे अगर यहाँ से डिसकनेक्ट करना है एंड्रॉयड तो वो भी यहाँ से मैं कर सकता हूँ। उसके बाद बात करें FM AM की, ये FM के लिए स्विच दिया हुआ है मीडिया, इसको प्रेस करते हैं, यहाँ पे आपको बताएगा ये ब्लूटूथ ऑडियो, अगर मोबाइल कनेक्ट है तो उसका म्यूज़िक प्ले करना है तो आप इसको सेलेक्ट करके कर सकते हो। उसके अलावा अभी मैंने पेन ड्राइव लगा नहीं रखी है, अगर पेन ड्राइव मैंने यहाँ पे लगाई होती तो आप देख पा रहे हो उसके वीडियोस भी मैं प्ले कर सकता हूँ। इसके लिए आपका गाड़ी का जो हैंड ब्रेक है वो खींचा हुआ होना चाहिए, अगर गाड़ी स्टार्ट है तो वीडियो प्ले नहीं होगा इसमें। उसके अलावा बात करें तो फ़ोटो भी आप देख सकते हो पेन ड्राइव के, USB के फ़ोटो भी आप यहाँ पर देख सकते हो ईजिली। USB की म्यूज़िक भी प्ले हो जाएगा जो नॉर्मली सब गाड़ियों में होता है, तो म्यूज़िक सिस्टम भी दिया हुआ है यहाँ पर USB का प्ले करने के लिए। उसके अलावा फोर्थ पॉइंट की बात करें तो ये नेविगेशन दिया हुआ है, जो अभी इसको कमांड देने पे बता रहा है प्लीज़ इनपुट योर डेस्टिनेशन। तो आपको जैसे सपोज टू बी उदयपुर से जयपुर या दिल्ली जाना, तो वो रूट सेलेक्ट करना और उसको गो करना है, तो वो रूट गाइड कर देगा। उसके बाद बात करें आगे मैप्स की, तो प्रीलोडेड मैप्स है इसके अंदर, ये आप देख पा रहे होंगे सारे मैप्स बता रहा है यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट बात करें नेविगेशन अगेन, यहाँ पे आप अपना फेवरेट वगैरह सेलेक्ट कर सकते हो, अगर आपने कोई लास्ट रूट डाल रखा है तो हिस्ट्री में दिखा देगा वो। उसके अलावा एड्रेस, आप कोई सर्च कर रहे हो नियर बाय पेट्रोल पंप या कुछ भी, तो वो भी यहाँ पे शो कर देगा। उसके बाद नेक्स्ट बात करें सेटिंग, ये मेन चीज़ है, ये यहाँ पे अगर आपको कोई डिवाइस कनेक्ट करना है तो उसके लिए ब्लूटूथ ऑप्शन दिया हुआ है। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी में आप एप्पल कारप्ले या एंड्रॉयड कुछ ऑप्शन सेलेक्ट करना है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे iOS लिखा हुआ आ रहा है और एप्पल कारप्ले आ रहा है। चलिए सेलेक्ट करते हैं इसको, यहाँ पे दो ऑप्शन है, एप्पल कारप्ले का है और दूसरा है ब्लूटूथ फ़ोन ऑडियो एंड आईपॉड। अगर आप चाहो तो एप्पल कारप्ले से कनेक्ट कर सकते हो, मैं आगे वीडियो में बताऊंगा कैसे कनेक्ट होगा। तो दोस्तों, ये तो बात हो गई हमारे एवियन सिस्टम की, अब आगे मैं आपको बताता हूँ एप्पल कारप्ले कैसे सपोर्ट कैसे कनेक्ट होगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे एप्पल की केबल लगानी होगी, USB जो पोर्ट दिया हुआ है वहाँ पर, और इसको कनेक्ट करना होगा आपके आईफोन से। चलिए करते हैं कनेक्ट इसे। जैसे मैंने कनेक्ट किया, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे अभी एप्पल कारप्ले लिखा हुआ आ गया। अगर ये सपोज़ किसी में नहीं आता है तो ये परमिशन लेता है, आपको उसको अलाउ करना है। अगर फिर भी परमिशन नहीं आती है, तो आपको सेटिंग में जाके मैं बता दूँ, आपको सेटिंग में जाके सीरी ऑप्शन आएगा सेटिंग में, उसको एनेबल करना होगा। कभी कभार अगर किसी के सीरी, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे सीरी एंड सर्च, तो आपको यहाँ पे सीरी जो है उसे एनेबल करना होगा। ये ऑफ होंगे जो आप ये फर्स्ट स्टार्ट के 3 देख रहे हो, इसे ऑन करना होगा आपको। उसके बाद ये डायरेक्ट केबल जैसे कनेक्ट करोगे कनेक्ट हो जाएगा। तो हमारा जो एप्पल डिवाइस है वो कनेक्ट हो गया एवियन से, जो कुछ इस तरह से दिख रहा है अगर आप देख पा रहे हो। तो ये है एप्पल कारप्ले का, एवियन पे जो विंडो आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा, यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है फोन का। Who are we calling? ये वॉइस कमांड भी है। अब ये अगर सपोज मैं इसे कहता हूँ प्लीज मेक अ कॉल टू माय RJ, कॉलिंग माय RJ, मैंने इसे कमांड दिया माय RJ को कॉल करने का और इसने कॉल लगा दिया, तो वॉइस कमांड भी सपोर्ट करता है, अच्छी चीज़ है ये। ये आप देख पा रहे होंगे कॉल मेरा लग चुका ऑलरेडी, आप
कुछ भी नाम लोगे और कॉल लगा लेगा, आपका वो नंबर अंदर सेव होना चाहिए और जिस नाम से सेव है वही कमांड दोगे तो वो कॉल आगे कनेक्ट करेगा। उसके बाद यहाँ पे एवेन में हमारा जो एप्पल कारप्ले में दूसरा ऑप्शन आ रहा है वो म्यूज़िक का आ रहा है, जो जो आपके आईफोन का जो म्यूज़िक प्लेयर है आप देख पा रहे होंगे, ये इसे ओपन कर देता है। जो जो हम फंक्शन एवेन में करते हैं वो मोबाइल पे अपना आप ऑटोमेटिक ऑपरेट होते रहते हैं। तो इसने अभी जो मेरा म्यूज़िक प्लेयर है वो उसने ओपन कर दिया, एप्पल का जो म्यूज़िक प्लेयर है। यहाँ पे मेरे पास कोई म्यूज़िक फाइल है नहीं सो प्ले नहीं कर पाएंगे। मैं अगर चाहूँ तो इसे विंक या कोई एप्लीकेशन के थ्रू कमांड दे सकता हूँ, वो प्ले हो जाएगा इसमें, इजीली हो जाएगा। उसके बाद चलिए वापस से देखते हैं होम पेज पे। नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है मैसेजेस, तो ये अच्छी चीज़ है, ये आपको एंड्रॉयड ऑटो में नहीं मिलेगा। अगर मैं चाहूँ कि मुझे किसका टेक्स्ट मैसेज आया, किसी को रिप्लाई करना है, तो मैं यहाँ से कर सकता हूँ, मुझे मोबाइल लेने की ज़रूरत नहीं है। ये थोड़ा सा टाइम लेगा एक बार क्योंकि सारे मैसेजेस लोड कर रहा है। अब ये मुझे पूछ रहा है कि आप जो आपको मैसेज आए हैं वो रीड करने हैं या नया मैसेज किसी को फॉरवर्ड करना है, तो यहाँ पे हम रीड मैसेजेस कर देते हैं। आप देख पा रहे होंगे ये सारे जो आज दिन भर के मैसेजेस हैं मेरे वो सब यहाँ पे शो हो रहे हैं। ये अच्छी चीज़ है, मोबाइल लेने की ज़रूरत नहीं मैसेज के लिए, डायरेक्ट एवीएन पे आप देख सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे नाउ प्लेइंग का दिख रहा है, ये म्यूज़िक प्लेयर के लिए, इसे भी करके देख लेते हैं। मेरे अभी आईफोन में कोई म्यूज़िक है नहीं तो यहाँ पे प्ले नहीं हो पाएगा, माफ़ी चाहता हूँ उसके लिए। उसके अलावा हुंडई का ब्रांडिंग है यहाँ पे, हुंडई लोगो, यहाँ पे कुछ सर्विस रिलेटेड पॉइंट्स दिखाता है और ऑडियो बुक्स और प्रॉडकास्ट, इसको भी सेलेक्ट करके बता देता हूँ मैं आपको। ये कुछ आप प्रॉडकास्ट बना के रखते हो तो यहाँ से आप देख सकते हो, इसकी सारी लिस्ट आ जाएगी, ब्राउज कुछ करना है तो उसके लिए है। और सबसे लास्ट जो ऑप्शन आता है वो है ऑडियो बुक्स, नो ऑडियो बुक्स। ये ऑडियो बुक्स स्पेशली उनके लिए जो कोई म्यूज़िक की कुछ ही, किसी ने पर्टिकुलर कोई ऑडियो बुक बना रखी हो और उसको वो चाहता है कि सेपरेटली प्ले करना है तो वो यहाँ से कर सकता है। ये तो बात हो गई दोस्तों एप्पल कारप्ले की। अब सेम इसी तरह से एंड्रॉयड ऑटो भी सपोर्ट करता है ये। एंड्रॉयड ऑटो के लिए कंडीशन ये होगी, मेरे पास एक्चुअली जो डिवाइस है वो मैं अभी उसे कनेक्ट नहीं कर पाऊँगा। मैं आपको बता दूँ कैसे कनेक्ट होगा, बहुत सिंपल है। जैसे यहाँ पे हम इसे डिसकनेक्ट कर देते हैं एप्पल कारप्ले को, आपको करना क्या है, सेम केबल के थ्रू एंड्रॉयड डिवाइस कनेक्ट करना है और ब्लूटूथ से उसे कनेक्ट रखना है आपके एवीएन से एंड्रॉयड को। उसके बाद आपको यहाँ पे ये सेटिंग ऑप्शन है, सेटिंग में जाके आप देख पा रहे होंगे कनेक्टिविटी यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है आपको, इसे सेलेक्ट करना है। यहाँ पे सेकंड नंबर ऑप्शन आ रहा है, फर्स्ट तो था एप्पल कारप्ले के लिए, सेकंड नंबर आ रहा है एंड्रॉयड ऑटो एनेबल, आपको इसे टिक करना है सिर्फ। आप जैसे इसको सेलेक्ट करते हो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन देता है कि आपके फ़ोन की सेटिंग में ये सारी चीज़ें इनेबल होनी चाहिए, आप इसे ओके कर दीजिए और केबल से इसे जैसे कनेक्ट करोगे एंड्रॉयड ऑटो यहाँ पे आपके जो जैसे एप्पल कारप्ले दिख रहा था एंड्रॉयड ऑटो आ जाएगा। और उसमें दो तीन चीज़ें ही मिलती है आपको, एक तो म्यूज़िक होता है, एक फ़ोन होता है जो डायलर होता है जिससे फ़ोन कर सकते हो, और एक आध कुछ और चीज़ होती है इसमें, आप मैसेजेस और ये रीड नहीं कर सकते एंड्रॉयड ऑटो में। सो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, यूज़फुल लगा हो, तो प्लीज़ इसे लाइक करें। उसके अलावा अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे भी मैं आपके लिए ऐसे यूज़फुल वीडियो लेके आया करूँगा। और मिलते हैं मेरे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। सीट बेल्ट लगाइए, हेलमेट पहनिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।